हेलो चिल्ड्रेन, मैं नीरज तिवारी आप सभी का गुरुकुल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा जानते हैं दूसरा लेक्चर है, क्लास 10 की केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग बात करना भूल जो टॉपिक छोड़े थे वो थी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण हम किस प्रकार करते हैं। तो हम आज देखते हैं, आज एक जो हमारा देखिए पहला हेडिंग पर रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे और रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे ये देखें H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा H2O प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी ये पूरी प्रोसेस है, ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है, लेकिन जो इसका मेन किसका गुण है, ये रासायनिक अभिक्रिया का कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें रासायनिक समीकरण में अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। जो हमारा LHS साइड में होता है वो हमारा अभिकारक होता है, जो RHS साइड में होता है वो उत्पाद होता है। तो अभिकारक एवं उत्पाद में जो तत्व होते हैं या एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स और तत्व को उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है। भौतिक अवस्था, जैसे हाइड्रोजन हमारा गैसीय अवस्था में होता है, हाइड्रोजन हमारा गैसीय अवस्था में है और जल हमारा जलीय अवस्था में है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये समीकरण लिखा हुआ रासायनिक, ये एक असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, उसके बाद हम इस समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आइए इस रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ना तो कोई जो पदार्थ होता है या उसको नष्ट किया जा सकता है, ना द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, या ही ना द्रव्यमान में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात जो अभिक्रिया होती है उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसमें से किसी भाग का विनाश नहीं किया जा सकता है। तो उसी के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही हमको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, जैसे यह उदाहरण देखते हैं कि एक समीकरण को सीधे टोटल हम 4 स्टेप में आसानी से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। तो उदाहरण देखते हैं, ये स्टेप फर्स्ट में हम रासायनिक समीकरण को सीधा लिखते हैं। आयरन को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमारा आयरन, जो हमारा अभिकारक में आयरन एक है, लेकिन जो उत्पाद में हमारा आयरन है वो 3 है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद में जो आयरनों की संख्या का अनुपात है वो 1:3 है। इस अनुपात को संतुलित करने के लिए ही हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट, इसको हम एक बॉक्स में सीधा लिख देते हैं।
उसके बॉक्स में लिखने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं। आइए हम दूसरे स्टेप में आपको दिखा दें, जो दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप सेकंड में तत्व ये देख लेते हैं, तत्व कि कौन कौन से तत्व लिए गए हैं, और एक साइड में अभिकारक लिख लेते हैं। अभिकारक में तत्वों की संख्या संख्या ये हमारा कौन सा साइड है, इसको ले लिए एल एच एच एस साइड, और दूसरे कॉलम में लेते हैं उत्पादों की, उत्पादों में तत्वों की संख्या आर एच एस। तो इसमें हमारा पहला तत्व क्या है देखते हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन हमारा कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है एक। उत्पाद में देखते हैं आयरन कितना है तीन, हाइड्रोजन कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है चार। अब यहाँ पर देखें तो इसका आयरन का अनुपात एक अनुपात तीन है, हाइड्रोजन हमारा बराबर है, ऑक्सीजन का हमारा जो अनुपात है एक अनुपात चार है, अर्थात हमको आयरन और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो इसके लिए हम एक तीसरा स्टेप लिखते हैं। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड में उचित संख्या से गुणा करेंगे, उचित संख्या से गुणा करेंगे स्टेप थर्ड में। तो समीकरण को पहले ऐसे लिख लेते हैं, आयरन, हाइड्रोजन और फिर एक ऑक्साइड। अब यहाँ आयरन तीन है तो यहाँ पर तीन से गुणा करवा देंगे, और इसको हाइड्रोजन को जल को चार से। ऑक्सीजन तो हमारा चार चार संतुलित हो गया, लेकिन चार दुनी आठ, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हमारा आठ हो जाता है, इसलिए इसको भी चार से हम गुणा करवा देंगे। तो एक हमारा संतुलित समीकरण बनकर तैयार हो गया। एक स्टेप की बात हम चार की बात करते हैं कि स्टेप जो चौथा स्टेप हमारा होता है, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है उसकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है। तो चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा समीकरण होता है उसको भौतिक अवस्थाओं के साथ लिख देते हैं। आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है, जल हमारा लिक्विड स्टेट में है, और फिर एक ऑक्साइड हमारा जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है यह गैसीय स्टेट में होता है। इस प्रकार हम किसी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आइए एक दो उदाहरण आपको और आसानी से समझाते हैं। जैसे और उदाहरण देखते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दो परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है। तो यानी हम क्या करते हैं इस सार कार्य में कि LHS साइड में हम दो से गुणा करवा दें, यहाँ पर दो से गुणा करवाएंगे तो ऑक्सीजन दो हो जाएगा, लेकिन तब हमारा यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो हमारा अवैलेंस भिन्न हो जाएगा, तो इसीलिए इसको भी दो से गुणा करवा देंगे, तो ये हमारे दोनों परमाणु क्या हो जाएंगे संतुलित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जय हिंद।